हाँ तो दोस्तों, मैं उपासना, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सर्दियों में आपके लिए लेकर आई हूँ बढ़िया सी एकदम मेले वाली चाट पकौड़ी की रेसिपी। कभी कभी ऐसे दिनों में मन करता है ना दोस्तों, जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, कि कहीं से मेले वाली बनी बनाई चाट पकौड़ी मिल जाए। बिल्कुल उसी तरह से सर्व करना और उसी तरह से बनाना बताऊँगी, वो कुछ अलग ही टेस्ट होता है दोस्तों। सबने ज़रूर खाई होंगी एक ना एक बार, बहुत जल्दी फटाफट बन जाती है, एकदम वही वाला टेस्ट आने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू छिलके के साथ ही काट कर लिए हैं, 2 से 3 आलू लिए हैं, इतना ही लें क्वांटिटी में। जरा चाहे आपको ज़्यादा पकौड़ी भी बनानी हो तब भी एक साथ ज़्यादा घोल बनाकर तैयार ना करें। और कुछ प्याज काट लिए बस इस तरह से स्लाइस में, एक प्याज काट लिए और 2 आलू लिए हैं, छोटे छोटे कट कर लिए हैं। उबाल कर इनको ठंडा कर लिया है पहले। मैं बताऊंगी इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं आपको सारे सीक्रेट से। यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून लगभग बेसन डाल दिया, बारीक वाले बेसन का यूज करें इसके लिए। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, इससे क्या है बढ़िया सी एकदम क्रिस्पी सी बनेंगी। मैदा और कॉर्नफ्लोर का यूज़ ज़रूर से करते हैं वे लोग, एक बार ऐसे करके देखिए कितनी बढ़िया बनती है हमारी पकौड़ी उबले हुए आलू होने के बावजूद भी। वैसे भी दोस्तों वो उबाल कर ही आलू रखते हैं, अगर कच्चे आलू का बनाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फटाफट से आपने देखा होगा, फटाफट डाल कर देते जाते हैं, सर्व करते जाते हैं। ये यहाँ पर मैंने मैदा का यूज़ किया है थोड़ा सा, मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी सेम रखी है। बस ये यहाँ पर लाल मिर्ची का पाउडर अपने हिसाब से डालिए, आपको कैसा तीखा भाता है। पकौड़े वगैरह तो चटपटे से ही अच्छे लगते हैं वैसे भी दोस्तों। यहाँ पर किचन किंग मसाला या गरम मसाले का यूज कर सकते हैं आप। ये आधा टीस्पून धनिया पाउडर, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ, जरूर से डालिए। इसको डालने से अलग ही एकदम टेस्ट आ जाता है पकौड़े में। ये 1 टीस्पून लगभग चाट मसाला, इसको भी जरूर डालिए, इसका ही सारा टेस्ट होता है, इसी के टेस्ट का कमाल होता है ज़्यादा। और नमक स्वाद अनुसार, चाट मसाले में क्या है काला नमक वगैरह सब होता है, अगर आप चाट मसाला नहीं यूज कर रहे हैं तो फिर अमचूर और काला नमक यूज करिए। बस देखिए इस तरह से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और हाँ दोस्तों, इनके ऊपर बेसन की बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं करी जाती, एकदम पतली पतली कोटिंग रखी जाती है। थोड़ी सी 1/4 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ, कलर अच्छा आ जाए, ताकि नहीं तो आप कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर का यूज कर सकते हैं, उससे भी कलर उभर कर आता है। बस 1 पिंच खाने वाला सोडा, और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारा तेल भी गर्म है, बस चलिए बनाने चलेंगे जल्दी से। तो चलिए हमारी सारी तैयारी हो गई है, पकौड़े बनाने चलते हैं। देख लेते हैं अपना तेल चेक करके, देखिए तेल भी हमारा एकदम ऊपर आ गया है, जो हमने प्याज का टुकड़ा डाल के देखा है तैयार है। मीडियम आंच रखिए और मीडियम हॉट तेल रखिए। बस देखिए इस तरह से डाल देंगे, छोटी छोटी पकौड़ियाँ डालेंगे हम, मेन तो इनको सर्व करना होता है दोस्तों, और मसाले तो यही पड़ते हैं और उबले हुए आलू की बनती हैं। दिखाऊंगी मैं आपको किस तरह से सर्व करते हैं, वो एकदम मज़ा आ जाता है उस स्टाइल में खाने में। बस अभी 1 मिनट के लिए इनको नहीं छुएंगे, उसके बाद छुएंगे। थोड़ा सा बेसन जैसे पतला रखते हैं, ये जो छोटे छोटे बन जाते हैं बूंदी जैसे, ये भी बड़े टेस्टी लगते हैं, एकदम ज़बरदस्त टेस्ट आता है इनका भी। बस इस तरह से चलाइए और क्रिस्पी होने तक सेक लीजिए, चाहे तो आप इसको 2 बार सेक सकते हैं, एक बार निकालने के बाद दोबारा से, उससे और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं। बस देखिए दोस्तों हमारा एक बैच बनकर तैयार है, बिल्कुल ऐसे ही दिख रही है ना। और हाँ दोस्तों, एक मज़े की बात, जब हम उबले हुए आलू का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं सोखती हैं, इस चीज़ का भी बढ़िया रहता है, कभी ऐसे बनाकर देखिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बस दूसरा बैच भी सेम इसी तरह से उतार लेंगे, आपको जितनी भी बनानी है बस 1-2 बैच ही एक साथ घोल बनाकर तैयार करें, बहुत ज़्यादा एकदम सारा घोल बनाकर तैयार ना करें, नहीं तो फिर ये पानी छोड़ जाता है, उतना अच्छा नहीं बन पाती है हमारी पकौड़ियाँ। देखिए जो आ रहे हैं चारों तरफ छोटे छोटे, ये भी बहुत ज़्यादा जैसे मैंने पहले ही बताया टेस्टी लगते हैं। तो चलिए दोस्तों एकदम मेले वाली स्टाइल में, रेडी स्टाइल में सर्व करते हैं। पहले तो दोस्तों पेपर जो होता है उसको काट कर उस पर भी सर्व किया जाता था, पर अब तो थोड़ा सा सब प्लेट वगैरह यूज करने लग गए हैं मेले में भी, इस तरह की मैं ऐसे ही सर्व कर रही हूँ। इसको हम लहसुन वाली जो हरी चटनी होती है उसको डालकर सर्व करेंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा। बस देखिए ये चटनी मैंने पहले से बना रखी है, इसकी रेसिपी मैंने कई बार डाल रखी है, मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप उसमें से बनाना सीख सकते हैं। बस इस तरह से डालिए, चाहे तो थोड़ा सा चाट मसाला भी रख सकते हैं। देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर से करिए दोस्तों, कितनी बढ़िया दिख रही है, एकदम मज़ेदार। ये चाट मसाला छिड़क दिया मैंने,
और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसी सर्दी में आप मजा ले सकते हैं इस तरह के पकौड़े का। मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक यू।